हेलो एवरीवन एमपी एम एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में हमारी अगली डेफिनेशन है लैंड की कि लैंड का मतलब क्या होता है लैंड मींस मीन्स अ पर्सन हु फॉर द टाइम बींग इज़ रिसीविंग और इज एंटाइटल द रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और इन बिहाफ ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन और एज अ ट्रस्टी गार्जियन और रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन और हु वुड सो रिसीव द रेंट और बी एंडल टू रिस द रेंट इफ द एकोमोडेशन लेट टू अटेंडेंट एंड इनक्लूड्स एवरी पर्सन नॉट बींग्रॉम फ्राम टाइम टू टाइम टाइटल लैंड लॉर्ड लैंड लॉड का मतलब होता है कि हर वो व्यक्ति जो रिसीव करता है या एंटाइटल है रिसीव करने के लिए क्या रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन ठीक है वैदर ऑन हिज ओन और ऑन अकाउंट और बिहाफ ऑफ एनी अदरसन और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन तो लैंड का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति एंटाइटल है रेंट रिसीव करने के लिए या वो रेंट रिसीव कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति जो रेंट रिसीव कर रहा है खुद के लिए या किसी व्यक्ति के बिहाफ में फॉर दी बेनिफिट ऑफ दी अदर पर्सन वो लैंड है और कौन लैंड है और और एनी अदर पर्सन और एज अ ट्रस्टी गार्जियन और रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन और हु वुड सो रिसीव द रेंट और बी एंटाइटल टू रिसीव द रेंट ठीक है तो यहाँ पे क्या तीन पॉइंट हमको समझ में आए कि पहला एनी पर्सन रिसीविंग रेंट और ऑन बिहाफ ऑफ ओनर तो कोई भी व्यक्ति जो रेंट रिसीव कर रहा है ओनर के बिहाफ पर वो क्या है लैंड है दूसरा गार्जियन भी लैंड की कैटेगरी में आता है तीसरा ट्रस्टी और रिसीवर फोर्थ है रिसीवर ठीक है फोर्थ है रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन और वुड सो रिसीव द रेंट और बी एनटाइटल टू रिसीव द रेंट ठीक है इफ़ द एकोमोडेशन वर लेट टू अ टेनेंट एंड इंक्लूड्स एवरी पर्सन नॉट बींग टेनेंट हु फ्रॉम टाइम टू टाइम डिराइव टाइटल अंडर अ लैंड लॉड यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि टेनेंट यदि कोई एकोमोडेशन किसी टेनेंट को किराए पर दिया गया है यदि कोई एकोमोडेशन किसी टेनेंट को किराए पर दिया गया है या दिया जाएगा तो उसके फेवर में जो एंटाइटल होगा इन फ्यूचर रेंट रिसीव करने के लिए तो वो भी लैंड की कैटेगरी में आएगा ठीक है तो ये हो गई हमारी लैंड की डेफिनेशन तो इधर पे फाइव पॉइंट है एनी पर्सन रिसीविंग रेंट और ऑन बिहाफ ऑफ दी ओनर सेकेंड गार्जियन थर्ड ट्रस्टी फोर्थ रिसीवर और फिफ्थ है हु रिसीव एनी टाइटल फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम दी एकोमोडेशन इसमें इसकी हिंदी की डेफिनेशन में यदि आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि किसी अभिदारी को वह स्थान भाड़े पर दे दिया जाने की दशा में मतलब कि किसी टेनेंट को अभी एकोमोडेशन रेंट में दिया नहीं है पर उसको दिए जाने की दशा में जो उसके बिहाव पे इन फ्यूचर भाड़ा इस प्रकार प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा तो वो भी लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा और उसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा व्यक्ति आता है जो अभिधारी ना होते हुए समय समय पर किसी भूस्वामी के अधीन हक प्राप्त करे और उसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा व्यक्ति मतलब हर वो पर्सन आएगा जो अभिधारी ना होते हुए नॉट बींग अ टेनेंट जो टेनेंट नहीं है और वो लैंडलॉर्ड के अंडर में टाइटल डिराइव कर रहा है टाइम टू टाइम टाइटल कौन डिराइव करेगा यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी यहाँ पर लैंड की कैटेगरी में आ जाएंगे लैंडलॉर्ड से रिलेटेड एक केस है सुप्रीम प्रसाद सतपाल 1965 का केस है ये इसमें ये कहा गया था कि जो पति है पति यदि पत्नी के बिहाव पर रेंट रिसीव कर रहा है तो वो भी स्वामी माना जाएगा यानी वो भी लैंडलॉर्ड माना जाएगा लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में कि पति यदि पत्नी के स्वामित्व के लिए कर प्राप्त करता है तो वह इस अधिनियम के अनुसार भूमि स्वामी माना जा सकेगा अ वाइफ इज द ओनर ऑफ द एकोमोडेशन एंड दसबेंड रिकवर्स रेंट फ्रॉम टेनेंट मतलब वाइफ एकोमोडेशन की ओनर है और हस्बैंड रेंट रिसीव कर रहा है ऑन दी बिहाफ ऑफ हिज वाइफ तो वो भी यहाँ पर क्या माना जाएगा भूमि स्वामी माना जाएगा ठीक है रेंट फ्रॉम टेनेंट देन लैंडलॉर्ड विल बी द हस्बैंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू बी ठीक है तो हमें क्या समझ में आया कि भूमि स्वामी कौन है सबसे पहला पॉइंट कि हर वो व्यक्ति जो क्या करता है रेंट रिसीव करता है टाइम टू टाइम फ्रॉम टेनेंट या एनटाइटल है रेंट रिसीव करने के लिए पहला दूसरा ट्रस्टी तीसरा गार्जियन चौथा रिसीवर।, रिसीवर रिसीवर सीपीसी में हमको पता है कि कोर्ट अपॉइंट कर देती है जब कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होती है तो जब तक उसमें फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक के लिए कोर्ट उसमें रिसीवर अपॉइंट कर देती है कि इसका जो भी बेनिफिट या पैसे आएंगे वो वो रिसीवर रखेगा और जब फाइनल डिसीजन उस केस में आ जाएगा तो फिर वो पैसा उस पार्टी को मिल जाएगा है ना तो रिसीवर या वो और उसमें फ्यूचर की भी बात बोली कि कोई व्यक्ति अभी यदि लैंड नहीं है अभी यदि लैंड नहीं है लेकिन वो एंटाइटल है कि यदि फ्यूचर में कभी किसी व्यक्ति को मकान किराए पे दिया जाए तो फ्यूचर में वो एंटाइटल्ड होगा रेंट रिसीव करने के लिए तो वो भी यहाँ पर टेनेंट मतलब यहां वो भी यहाँ पर लैंड माना जाएगा ठीक है सोचता है कि क्या टेनेंट लैंड की डेफिनेशन में कवर है तो टेनेंट लैंड की डेफिनेशन में कवर नहीं है ठीक है तो लैंड की डेफिनेशन बस इतनी सी थी इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे समझने लायक नहीं है अब लैंडलॉर्ड के साथ हम लोग टेनेंट की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि टेनेंट क्या होता है तो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन दी हुई थी टू बी में और टेनेंट की डेफिनेशन दी हुई है टू आई में तो टेनेंट क्या होता है टेनेंट मीन्स अ पर्सन बाय होम और बिहार द रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन और बट फॉर कॉन्ट्रैक्ट ड बी पेबल फॉर एनी अकोमोडेशन एंड इन्क्लूड एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग देशन एज अब टेनेंट एंड ऑल्सो एनी पर्सन कंटिन्यूंग इन पोजेशन आफ्टर दर्मिनेशन ऑफ इसी वेदर बिफोर आफ्टर दमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बट शेल नॉट इंक्लूड एनी पर्सन अगेंस्ट होम एनी ऑर्डर हैज बीन पासड इसमें कि शेल नॉट इंक्लूड एनी पर्सन अगेंस्ट होम एनी ऑर्डर और डिक्री फॉर एविक्शन हैज़ बीन मेड मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट एविक्शन की डिक्री या ऑर्डर आ, आ चुका है तो वो टेनेंट की डेफिनेशन में उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो ये पतली सिलाई इसलिए मैंने पहले पढ़ा दी कि अपने क्लियर हो जाए कि, कि किसी भी व्यक्ति की अगेंस्ट यदि ऑर्डर या डिग्री आ चुका है एविक्शन का मतलब फाइनल जब तुम्हें तो एविक्ट होना ही है तो वो टेनेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं कर रहा है ठीक है तो कौन है टेंडेंट फिर टेंडेंट वो है जो रेंट दे रहा है या टेंट के बिहाफ पे जो व्यक्ति रेंट दे रहा है किसी एकोमोडेशन का तो वो टेनेंट कहलाएगा ठीक है एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग दकोमोडेशन एज सब टेनेंट और सब टेनेंट भी टेनेंट कहलाएगा आगे हम एक सेक्शन पढ़ेंगे जहाँ पर कब से सब टेनेंट टेनेंट बन जाता है और यदि सब टेनेंट को टेनेंट ने लॉफुली रखा है विदर्न परमिशन ऑफ द लैंड रखा है तो वो वैलिड है तो यहाँ पर सब टेनेंट भी टेनेंट कहलाता है एंड ऑल्सो एनी पर्सन कंटिन्यूइंग इन पोजेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ दिस टेनेंसी वेदर बिफोर और आफ्टर द दिन ऑफ दिस एक्ट यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि और हर वो व्यक्ति जिसकी टेनेंसी टर्मिनेट हो चुकी है पर फिर भी वो अभी भी एकोमोडेशन में रह रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपना मकान किसी को दो साल के लिए किराए पर दिया था एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि दो साल के लिए हम तुमको किराए पे दे रहे हैं लेकिन टर्मिनेशन हो गई उसकी टेनेंसी खत्म हो चुकी है टाइम पीरियड लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पे रह रहा है और मैं उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रही हूँ तो वो टेनेंट कहलाएगा तो एनी पर्सन कंटिन्यूइंग इन पोजेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी वेदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट चाहे इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले या चाहे इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद वो भी क्या कहलाएगा टेनेंट कहलाएगा ठीक है तो कौन कौन टेनेंट है जो रेंट रिसीव जो रेंट दे रहा है या जिसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति रेंट दे रहा है या सब टेनेंट या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी टेनेंसी टर्मिनेट हो चुकी है और वो अभी भी उस एकोमोडेशन पर रह रहा है पर इंक्लूड किसको नहीं कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट सूट फॉर अगेंस्ट डिक्री फॉर एविक्शन ला दी गई है ठीक है तो ये हो गई हमारी टेनेंट की डेफिनेशन टेनेंट की डेफिनेशन में एक केस है बसंत कुमार ए आई आर का इसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि कंपनी एसोसिएशन कॉरपोरेट बॉडी या नॉन कॉरपोरेटिव बॉडी जितनी भी हैं उसको हम पर्सन मानेंगे और क्योंकि हम इसको पर्सन मान रहे हैं इसलिए ये भी कंसिडर किए जाएंगे एज़ अ टेनेंट अंडर सेक्शन टू आई ठीक है और जो भी मैंने केस का नाम लिया है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी ताकि आप लोग को ईजी हो जाए उसको देखने के लिए और आप इसको सर्च करके देख भी सकते हैं तो हमने आज पढ़ा लैंड और टेनेंट की डेफिनेशन अगले सेक्शन में अगले वीडियो में हम बाकी के सेक्शन को देख लेंगे